दूसरे गियर में 60 पे पहुंच गई थी, अब तीसरे गियर के अंदर है 80 90। अब मैं ब्रेक लगा रहा हूँ, ब्रेक लगा रहा हूँ, ठीक है। सीएनजी में व्हील स्पिन मार रही है गाड़ी और क्या चाहिए। ये देखो, ये चीजें जो है ना, ये देखो इसको नीचे वाला। मेरे एरिया में हर जगह बंदर काफी है, आपको पता है। जी जी बिल्कुल। कूदते हैं छत छत के नीचे से, हाथ मारता हूँ कई बार, या दरवाजा जोर से बंद करते हो अपना वापस शेप में आती है। दोस्तों फिलहाल जो आप ये गाड़ी देख रहे हैं, ये सेलेरियो गाड़ी है और इसकी खास बात ये है कि ये सीएनजी के अंदर है और वो भी कंपनी फिटेड सीएनजी के अंदर है। और यहाँ पर ये गाड़ी क्यों है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने हमें संपर्क किया था। डॉक्टर महेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज की वीडियो के अंदर आप इस वीडियो के इस तरीके से भी ले सकते हैं कि क्यों जो है वो लोग बाग मारुति के ऊपर जा रहे हैं और कंपनी फिटेड जो सीएनजी है वो क्यों लेनी चाहिए, किनको रिक्वायरमेंट होती है इस चीज़ की, ठीक है, ताकि आप बाहर से लगवाएं या कंपनी फिटेड आपको लेनी चाहिए, सारी बातें जानेंगे धीरे धीरे। जो भी पॉजिटिव हैं इस गाड़ी के, जो भी नेगेटिव हैं, सब कुछ जानेंगे। तो और ये गाड़ी जो है 5 लाख की रेंज के अंदर आ जाती है और इसको आप शायद कहते हो ना हो, मैं तो उसको छोटी स्विफ्ट कहता हूँ। तो 45-60 पाँच, ये क्यों, ये सी एन जी वाला वेरिएंट है ना, तो 5 की रेंज की गाड़ी है ये कहने का मतलब। समझ गया। तो सर कब ली थी आपने ये गाड़ी? सर 2017 दिवाली पर। 2017, अच्छा, दिवाली के ऊपर ली थी। डिस्काउंट मिला था? डिस्काउंट मिल मुला के, हाँ, सब कुछ कर कर। कितने की पड़ी थी? 45 प्लस 15-16 हज़ार एसेसरीज मिला के 560 के हेरफेर में ही, 560 के आसपास। हाँ, दिवाली डिस्काउंट वगैरह और सारा सब कुछ जो है वो मिला करके, एक्सचेंज ऑफर वगैरह करा के उसमें करके वापस। बिल्कुल। हाँ जी। तो आपका इतना रन था कि आपको सीएनजी ही चाहिए थी या क्या? सर बिल्कुल इतना रन तो था, बट प्रीवियसली हमारी जैसे आपकी सेल खड़ी दोनों खड़ी है, तो वो थी उस टाइम में, वो शेवले छोड़ के बगी थी, जस्ट बगी थी, दिसंबर में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो था। तो उस टाइम पे ओलेक्स में बिक नहीं रही थी, कोई भी लेने तैयार नहीं था उसको, और बाकी जो कंपनियां थी वो भी एक्सचेंज ऑफर से भी नहीं कर पा रहे थे, एक्सचेंज ऑफर के अंदर नहीं हो पा रही थी वो भी। तो डॉक्टर साहब जैसे यहाँ पर आए थे, मैंने कहा कि जी इससे पहले कौन सी गाड़ी थी, इससे पहले ये थी। मैंने कहा है, मैंने कहा यार मैंने सेकंड हैंड ली थी, हो सकता है कि यही गाड़ी हो। तो ये बताइए कि जब आपने ये गाड़ी ली थी तो कोई और गाड़ी देखी भी थी, कोई दिमाग में थी आपके? सर पहला था कि एक तो कंपनी फिटेड सीएनजी लेनी है, सीधी से बात ये है, दूसरा सीएनजी ही लेनी है, तीनों था वो केटन, वैगनार और ये, ठीक है। वैगनार नहीं लेनी थी क्योंकि तो वो टैक्सी में आ गई। अच्छा जी, ठीक है, टैक्सी में और डब्बी सी थोड़ी लगती है, टैक्सी में ये भी आ गई। सर इतनी नहीं है, सर इतनी नहीं दिखती। तो मतलब देखिए आपने क्या कहते हैं कि नहीं, मारुति में ही थी और वो? हाँ, उस टाइम मारुति में ही थी। हाँ, तो नहीं जो है बाहर से असेंबल करवा के दे, बाहर सर बाहर से होता है, बट वो ना वो यही ओखला में करते हैं अपने ना वहाँ से। हाँ, लेकिन वारंटी वगैरह वो दे देते हैं सर, वो बोनट खोलने वाला ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि जहाँ से आप तेल वगैरह फिल करवाते हैं वहीं पर ही इसके अंदर आपको गैस वगैरह हो जाएगा, अभी मेरे ये खोलना नहीं पड़ता आपको। मेरा भी फ्रेंड ने ली है ग्रैंड, तो उसमें वो सेटिंग हो नहीं पा रही है, बहुत दिनों में सेटिंग हुई, मिसिंग हुई, वो भी चेंज करें, इंजेक्टर भी चेंज करें, जब जाकर उनकी सेटिंग बैठी, सर दर्द की खत्म हुई। भाई ये बात माननी पड़ेगी, मारुति जो सेटिंग बैठा के देती है ना कंपनी फिटेड, वाकई के अंदर आपको बहुत ही कम पता चलता है, 19-20 का अंतर तो पता चलेगा कि पेट्रोल या इसके अंदर सीएनजी के अंदर चल रही है, लेकिन बाहर की गाड़ियों के बजाय बहुत बढ़िया सेटिंग देते हैं और मेरे ख्याल से इसी के पैसे चार्जेस ज्यादा लेते हैं। वैसे ज्यादा थी, वैसे मेरे ख्याल से 55-60 हज़ार के आसपास जो है ये लोग चार्ज करते हैं, 35 हज़ार से शुरू होता है बाहर लोकल मार्केट में। बाहर बाहर, हाँ, जो हुंडई लेती है वो 75 हज़ार लेती है। ओ अच्छा। हाँ जी, कम से कम 60-75 हज़ार लेती लेती है, 3 साल गारंटी भी तो देती है भाई। जो चीज़ आपने फील करके गाड़ी के अंदर लिया था कि भैया ये रिक्वायरमेंट है आपकी, ज़्यादा चलना था, जेब के ऊपर थोड़ा सा सस्ता पड़नी चाहिए गाड़ी को। हाँ वो तो है, ठीक है, यही चीज़ें आपने देखी थी, इसके अलावा और क्या चीज़? जो वो है ना, दूध तो जला हुआ छाछ भी आराम आराम से पीता है। अच्छा, शेवले का भुगता हुआ ना। हाँ भाई, सेफ लेनी है, अब सेफ नहीं मतलब वो लेनी चाहिए, आराम से
टेंशन ना ले। तो ये गाड़ी खरी उतरी जो आपने सोचा था वैसी ही है ये गाड़ी? देखो ऐसा है, उसका मुकाबला वैसे ही हो सकता। बिल्कुल, चलाने में उसमें मजा आते। बिल्कुल ठीक है, पर इसमें ये है कि थोड़ी जेब पे सस्ती हो, जहाँ भी है जैसे आप भीड़ भड़ाक का है तो उसमें आराम से कहीं भी घुसा दो इसको। पीस ऑफ माइंड है, पीस ऑफ माइंड है ये है, पर डर भी लगता है कि कहीं 100 से ऊपर चलाते हुए भी रेस्ट इन पीस। हाँ, रेस्ट इन पीस नहीं हो जाए तो वो चीज़, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है जो उसमें कॉन्फिडेंस था। ये तो है, वो तो सर कॉन्फिडेंस की वाली बात है और वो सारी चीज। मैं मैक्सिमम इसको जब मूड की बात होती है 50, 60, 80, 100, 110 से ऊपर कभी लेकर नहीं गया। मतलब तब भी गया हूँ बाहर, मतलब हर महीने जाता हूँ, वृंदावन जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ। तो 110 में तो आप बहुत क्रेजी फील करते हो, ये क्रेजी कर लिया सर। हाँ क्रेजी चलती का है, गधे इधर है, भक्ति है वो, पाँच जने बैठाएंगे बात तो। ये बात तो है। अच्छा ये बताइए कि सर्विस क्वालिटी कैसी है मारुति वालों की और खर्चा कितना आ जाता है सर्विस में? सर मिक्स है, मैं कह रहा ब्रेक नहीं इसमें, मुझे मजे नहीं आते ब्रेक में। सर ब्रेक साफ करने के वो करेंगे, ये करेंगे, उसका 800 रुपये अलग से लेबर चार्ज, टोटल बॉडी का अलग से 700 रुपये लेबर चार्ज, 1800 रुपये तो वैसे इनका लेबर चार्ज है। 1800 रुपये? 1800 रुपये सैलरी होगा? हाँ ठीक है, तो वही मिला मुला के 60,000 के काटने वाली बात है। मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ, टिगोर का पिछली सर्विस में मैंने 1000 रुपये दिया था। सर्विस तो कह रहे हैं मारुति सर्विस सस्ती नहीं पड़ती, वो बाहर सस्ती पड़ती है, 500 रुपये जो सर्विस कराते हैं। सही बात, अंदर सस्ती नहीं पड़ती, बाहर सस्ती पड़ती। चलो सर्विस की तो बात होगी, अब बात करते हैं सर से कि ये सिलेंडर कितने किलो का है? 10 किलो का है जो आइडियली आता है, 8 किलो इसमें गैस आती है, प्रेशर ज़्यादा हो तो 8.5 किलो आती है बस। और कितना चलता है उस उसमें किलो में? 220 एवरेज लगा के हिसाब से चले, 220 किलोमीटर 220 चल जाता है। हाँ 8 किलो में ये तकरीबन 27-28 की एवरेज पड़ती है, थोड़ा और नॉन एसी में चले तो 31 की ही मिल जाती है। अरे अच्छा अच्छा, 220 के आसपास अगर निकाल रहे हो 8 किलो के अंदर फिर तो अच्छी है इसकी। हाँ जी, वो तो पॉजिटिव पॉइंट है, ये आधे पॉजिटिव बताना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, नहीं बिल्कुल बताना चाहिए, जो आपने ये सोचा था वो तो चीज़ कर ही रही है ना। हाँ, ठीक है, सर्विस से रिलेटेड इनको थोड़ी सी दिक्कत है यहाँ पर, जो कि मोस्टली बंदों को आजकल पता नहीं क्यों आ ही रही है मारुति से रिलेटेड। तो अच्छा एक और चीज़ बताइए कि बिल्ड क्वालिटी से रिलेटेड बहुत सारी बातें होती हैं, तो आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे यहाँ पे? सर मेरे एरिया में हर जगह बंदर काफ़ी है, आपको पता है। जी जी बिल्कुल, कूदते हैं छत चक जाती है, नीचे से हाथ मारता हूँ कई बार, या दरवाज़ा जोर से बंद करते हुए अपना वापस शेप में आती है ये। ठीक है, बंदर खेल के जाते हैं। हाँ यहाँ से स्लाइडिंग करके। अरे ये बंदरों का ही करा हुआ है सर, ये बच्चों का है। अच्छा ये बच्चों का, बच्चे कौन से बंदरों से कम रहे थे? छत में देख, वो थोड़े से डंड पट रहे, सारे डंड पट रहे हैं। ओ ये बंदरों का करा हुआ है? ये बंदरों का करा हुआ है। ओ भाई साहब, दूसरा बाइक वाला मार गया अभी होली वाले दिन, पी के जा रहा था, उसकी डोगी उसके बाइक, वो पीछे वो बम्प निकल गया, वो बस हाथ से वो अपने कर दिया, वो ठीक हो गया। वो गर्म पानी से भी, गर्म पानी तो पिछली बार गया था 2-3 साल पहले, जब गाड़ी वाला मार गया था, चलता रहता है। मैं तो कहता हूँ ये आप अपने फीचर्स में ऐड कर दो कि हमारी गाड़ी कैसे भी निकाल सकते हो। चलाने में बैलेंस वाइज ये आप क्या मतलब कि गियर शिफ्टिंग ब्रेक वगैरह ये सारी चीजें? ब्रेक में मैंने आपसे पहले बताया, मैं कॉन्फिडेंस का तो हाँ, आपने बता दिया, चाहे वो टायर लगा लो सस्ते वाले टायर है, चाहे इसमें डिस्क वो नहीं है, ABS नहीं है, चाहे वो उसके मतलब जो होते ना वो बाइट वो नहीं है, यहाँ मार तो वहाँ रुकती है, और बारिश में तो पूछो मत आप। अच्छा वो हिसाब किताब है वो थोड़ा सा ना। सस्पेंशन से रिलेटेड हार्ड है, काफी हार्ड है। अच्छा हार्ड है, गड़गड़ की अंदर आवाज आती आती ही है, चाहे वो फ्लाईओवर पे स्ट्रिप हो, चाहे वो ब्रेकर हो। ओके जी, और सस्पेंशन तो मारुति गाड़ी में है नहीं इतने अच्छे, तकरीबन 9 महीने मैंने गड्ढों में चलाया है इसको ना, तो मेरे जो रास्ता है वो सारे फ्लाईओवर बन रहा था, ये द्वारका एक्सप्रेस वाला सारा वो बन रहा था, वहीं से पूरे गड्ढों में मैंने 9 महीने चलाया है। 100 बात की एक बात मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि आज आपके पास 5.5 लाख रुपए के अंदर कोई गाड़ी खरीदनी हो तो क्या दोबारा इसके ऊपर जाओगे? सर रनिंग के ऊपर बात है, फिलहाल जो मेरी रनिंग है या आगे बढ़ने वाली है तो मैं CNG ही लूँगा सीधी। तो बात मतलब फिर से इसके ऊपर चले जाओ? हाँ जी हाँ जी, ये या फिर कोई और, क्योंकि हुंडई का इंजन में मज़ेदार नहीं है वो वाला जो है उसमें। तो फिर तो ले दे के मेरे ख्याल से ऑप्शन यही बचता है।
तो मेरे ख्याल से ये एक तरह से अपने आप के अंदर कंप्लीट जवाब है कि दोबारा से फिर से क्यों लेना चाहेंगे इसको। सिटी में ठीक है, सिटी में अच्छी है, 50-60-70 आराम से, छोटी सी है, कहीं भी घुसा दो वो सीएनजी चलाए जाओ पूरे दिन खत्म होने के नहीं, वो उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। तो जो डॉक्टर साहब ने बताया उनका मेन रीज़न ये था गाड़ी खरीदने का कि जेब के ऊपर थोड़ा सा कम जो है वो उनको भारी पड़े, सरदर्दी ठीक है, सरदर्दी ना हो, कहीं पर भी खड़े ना करे, कोई कंपनी भागे ना, ठीक है। तो वो वाली चीज़ें, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, साथ के साथ अभी तो आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी देंगे चला करके, रवि भाई भी चलाएंगे इस गाड़ी को और मैं भी चलाऊंगा, देखते हैं कि कितना जो है वो फ़र्क आता है सीएनजी के अंदर चलाने में। सर सीएनजी है ना इसमें? फुल है सर। अच्छा, स्पेशली भरवा के लाया। क्या बात है। तो ये था आज का हमारा वीडियो, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, लेकिन इसी मैसेज के साथ कि फोर व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जो है वो जरूर डालिएगा, टू व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जो है वो जरूर पहनिएगा, और हाँ ड्राइविंग एक्सपीरियंस देखे बिना मत जाइएगा। ओके, वेल थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप जो आए और अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर किया हमारे साथ। थैंक यू सर। थैंक यू। वो तो ठीक है, आज डॉक्टर साहब को पहली बार जो है उन्हीं की गाड़ी के पीछे बैठा दिया आज हमने। कह रहे थे कि टायर स्पोर्ट भी अच्छा है। मेरे हिसाब से बाइक ही मेरे से ज्यादा हाइट होगी ना। हां, तो लेकर हम काफी है, मेरी भी 6 फुट है। हां, ये भी ठीक है, एवरेज है, सही है। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर दो दिए गए हैं, एक ऊपर पेट्रोल का दिखाता है और नीचे सीएनजी कितनी है वो भी मेंशन है। बहुत बढ़िया, अभी गाड़ी फिलहाल पेट्रोल में है, जब सीएनजी में आएगी तो पेट्रोल के बगल में सीएनजी वाला ऑन हो जाएगा। पेट्रोल ये है ना, लग गया सीएनजी में, ऐसे बसता है, ऐसे बसता है। हैं? ना बिल्कुल नहीं मिलेगा यार, बहुत सही है यार, मतलब ये इस चीज के पैसे देना मेरे ख्याल से भैया वर्थ है। देख इतनी ऐसी सेटिंग मैंने बैठी हुई जो है ना बाहर से जो फिटेड किसी ने करवाई अगर बाहर से फिटिंग वाली मैंने तो कभी नहीं देखी है, फिर एक दो यार दोस्तों ने भी बाहर से लगवाई है उनकी भी बहुत बढ़िया फिटिंग है, लेकिन ये चीज वाला जो है ना ये फील नहीं आ रही भाई इसके अंदर। ऐसे छोटी गाड़ी के हिसाब से बहुत मतलब कि बिल्कुल परफेक्ट साइज गाड़ी है, विजिबिलिटी वाइज बिल्कुल बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है आपको यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी से। जी हाँ बिल्कुल इश्यूज आपको होंगे, बट मानना पड़ेगा यार सीएनजी के हिसाब से बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, बहुत बढ़िया। छोटी सी गाड़ी है, छोटे से दायरे में घूम जाती है, बढ़िया है जी, शहर के हिसाब से इस गाड़ी से अच्छा और क्या लोगे। दूसरे गियर में 60 पे पहुंच गई थी, अब तीसरे गियर के अंदर है 80, 90, अब मैं ब्रेक लगा रहा हूँ ठीक है। ब्रेक का तो है भाई थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस जो है ना वो लिए हैं, इसमें एबीएस है, इसमें एबीएस वगैरह नहीं, अच्छी चल रही है गाड़ी। खैर गियर शिफ्टिंग वगैरह भी काफी स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लच भी बहुत ही लाइट है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, और हद से ज्यादा लाइट जो है वो स्टेयरिंग नहीं दे रखा है, यहाँ पर डिसेंट सा है, बहुत ज्यादा लाइट भी नहीं कहेंगे जो कि अच्छा भी नहीं होता। ये देखो ये चीजें जो है ना, तो अब आगे का जो बॉडी रोल वगैरह है वो भाई साहब दिखाओगे चलाओगे हैं पक्का आ जाते चल फिर हैं। अब थोड़ा स्पेस कम हुआ है भाई साहब के बैठने। वैसे एक बात बताओ, मेरे घर पे भी सिलहरी हो मेरे चाचा जी के पास, तो थोड़ा बेइज्जती की उम्मीद मत रखना मेरे से। ओ, ओ, ओ। देख भाई तो दूसरे भी मारती जा रही। अभी हम चला रहे हैं पेट्रोल में, ठीक है, और इसमें मेरे को क्या लगता है कि इसमें जो 3 सिलेंडर तो है ही, और जो वाइब्रेशन है स्टार्टिंग में वो फील होती है, जो
जो कि बंद करना बहुत ही मुश्किल काम है। ठीक है, तो गाड़ी चौड़ी होने की वजह से वैगनार जैसा बॉडी रोल आपको इसमें ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। और दूसरा रही बात सीएनजी की, सीएनजी में डालते पहले से गोली मारती है टडिंग पीछे से ऐसे कंकर लगा। सही बात है, अंतर ना के बराबर है भाई साहब, वैसी भाग रही है तो। हाँ हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ भाई। सीएनजी में व्हील स्पिन मार रही है गाड़ी, और क्या चाहिए भाई।